दोस्तों नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाना मत भूलिए, वरना मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं पहुंचेगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हो तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसको अगर स्किप करोगे तो आप हो सकता है बहुत कुछ व्हाट्सएप में छुपे हैं खुफिया राज के बारे में मिस कर जाओगे। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जाता हूँ व्हाट्सएप पर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इस सॉफ्टवेयर में छुपे हुए कुछ ऐसे राज के बारे में बताऊँगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, 100 लोगों में से हो सकता है 5% लोग भी नहीं जानते। तो आपका टाइम वेस्ट ना करके मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले आप जब चैट करने जाते हो तो आप क्या करते हो, मान लो आप लिखते हो किसी को हेलो, कि या फिर मान लो कुछ भी लिखते हो, कि इस तरह कुछ लिखते हो और उसे सिंपल से सेंड करते हो, तो सेंड करने के बाद चला जाता है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि इसको आप बोल्ड बोल्ड करके, या फिर मान लो कुछ भी इस तरह कुछ भी लिखा है, ओके, इसको आप बोल्ड करके सेंड करो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब मैं बताऊँगा कि व्हाट्सएप में स्टार, हाच, इस तरह का और बहुत सारा सिंबल का यूजेज। तो अगर आप मान लो इस यहाँ पर कुछ भी लिखे हो, ठीक है, इसके पीछे एक स्टार लगाओ और इसके बिल्कुल सामने एक स्टार लगाओ, ओके, इसके बिल्कुल सामने एक स्टार लगाओ, और जैसे ही आप लिख दोगे तो देखो ये बिल्कुल बोल्ड हो चुका है। लेकिन ध्यान से यहाँ पे आप जो मान लो हेलो लिखे हो, ओके हेलो, ध्यान से आपको स्टार लगाने के बाद कुछ चीज़ पे आपको ध्यान गौर करना है। स्टार मान लो आपने स्टार यहाँ पर लगाया और सबसे पहले भी स्टार लगा दिया, ओके, और स्टार देखिए देने के साथ साथ जो स्टार है वो डिसेबल हो चुका है और आपका जो वर्ड है वो हाईलाइट हो चुका है बोल्ड हो गए। लेकिन अगर आप स्टार और इस वर्ड के बीच में कोई स्पेस दोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इस तरह से सेंड करोगे तो स्टार भी जाएगा, उसके पास हेलो भी जाएगा, और आपका जो मेन मोटिव है इसे बोल्ड करना वो भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि जब भी आप किसी को बोल्ड करना चाहोगे तो इसके सामने बिल्कुल सामने और बिल्कुल पीछे एक स्टार लगाना है, ओके, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसे बोल्ड कर सकते हो। और अभी मैं कुछ दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। मान लो आप किसी को हेलो लिखते हो, ओके, आप सबसे पहले यहाँ क्लिक करो, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये जो इस तरह का कुछ ऑप्शन है इसको लगाओ, और सामने भी इसको लगाओ। इसको लगाने के बाद देखो ये काट हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से और एक चीज़ सिखाता हूँ। तो मान लो आपने हेलो लिखते हो यहाँ पे, हेलो हेलो ना हेलो, और यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को यूज करोगे 3 बार और सामने भी बिल्कुल इसको 3 बार यूज करोगे तो देखो ये कुछ अलग तरीके का फॉन्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है। और इसके लिए आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है प्ले स्टोर में, अगर आपका फ़ोन में स्टोरेज कम है तो। और एक चीज़ भी आपको सिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह है वो, इसको दो और वीडियो के लास्ट तक देखो। वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये याद नहीं रहेगा कि सामने से स्टार लगाना है और हाज लगाना है, तो अगर आपका याददाश्त थोड़ा कमज़ोर है, कमज़ोर का मतलब इतना है कि अगर आप याद नहीं कर पाते हो तो भी आपके लिए मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिसकी मदद से आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कर पाओगे। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। यहाँ पे मान लो हेलो, ओके, और इसके बाद इस तरह देने के बाद देखिए ये इटैलिक हो चुका है। तो ये तो गया बेसिकली वो से चीज जो यहाँ पे छुपा हुआ है, और ये बहुत कम लोग जानता है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताना कि आप ये पहले से जानते थे या नहीं। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये याद नहीं कर पाओगे कि सामने स्टार लगाना है या फिर हाज लगाना है या फिर किस किस पंक्चुएशन लगाना है, तो आपको आपके लिए भी एक ट्रिक है। तो मान लो आप हेलो लिखते हो किसी को, हेलो या फिर कुछ भी, ओके, हेलो ब्रदर, हेलो या फिर मान लो हेलो ब्रो, ओके, तो मान लो आप हेलो ब्रो इन दोनों चीज़ को आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप सिंपल से उसे सिलेक्ट करोगे, ओके, प्रेस करके रखोगे, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इस तरह कुछ ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे आप 3 डॉट पे भी क्लिक कर सकते हो, ओके, इसके बाद आपके सामने इस तरह ऑप्शन आएगा, काट, कॉपी, पेस्ट, शेयर, बोल्ड। आप बोल्ड पे क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। और क्लिक करने के बाद ध्यान से देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ओके, यहाँ पे देखो एक स्टार जो डिसेबल हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी ऑटोमेटिक स्टार ले लिया है, ओके, इस सॉफ्टवेयर का कुछ इस तरह का माल है। और अगर मान लो आप कुछ और करना चाहते हो हेलो, तो आप इसको सिंपल से सेलेक्ट करो, किसी भी चीज़ को कर सकते हो। मैं बस वीडियो लंबा होगा इसलिए हेलो को करके दिखा रहा हूँ। और 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस तरह कुछ ऑप्शन आएगा, इटैलिक, इटैलिक पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इटैलिक हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा इसका फॉन्ट, ओके। और मान लो आप कुछ भी लिखते हो, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। और अभी मेरा एक हाथ में फ़ोन है और एक हाथ से मैं कर रहा हूँ, और एक हाथ और मैं जो माइक है उसको भी पकड़ के रखा हूँ, इसलिए थोड़ा गलती हो रहा है और थोड़ा टाइम लग रहा है, ओके। और इसके बाद आप यहाँ पे मोनोस्पेस पर क्लिक करो, देखो ये इस तरह हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो इसके साइड में, ओके, जो 3 डॉट मैंने जो पहले आप लोगों को सिखाया था, इनका यूज, ओके, वो ऑटोमेटिक ले लिया है। आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा ऑटोमेटिक ले लिया है। और इसके बाद भी और यहाँ पे जितना सारा कुछ है, मान लो इसको आप करना चाहते हो, ओके, इसमें जितना कुछ है बस 3 डॉट पर क्लिक करो, उसके बाद मोनोस्पेस स्ट्राइक थ्रू आएगा,
इस तरह कट जाएगा। ओके तो ये था बेसिकली वो सारा चीज़ जो मुझे मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और एक चीज़ आपको सीखना चाहता हूँ, मान लो आपने कुछ यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, ओके कुछ भी लिखते हो इस तरह, और इसको काट करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल से यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है इस क्रॉस पे आप क्लिक करके रखते हो, इसके बाद काटता है। लेकिन मैं गाइस ऐसा नहीं करता हूँ। ओके मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो आप इस तरह से कुछ लिख देते हो, बस आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ओके कट साइन पे प्रेस करके रखना नहीं है, बस प्रेस करके लेफ्ट साइड पे खींचना है, और जैसे आप खींच दोगे ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे सिंपल से प्रेस करके रखोगे तो नहीं होगा, बस यहाँ पे उंगली लगा के सिंपल से लेफ्ट साइड में इस तरह का स्लाइड करना है, और जैसे स्लाइड करते जाओगे उस तरह से जितना वार्ड है वो धीरे धीरे कट हो जाएगा, और यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद जैसे ही उंगली उठा दोगे तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया, समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताना इनमें से आप कौन सा ट्रिक जानते थे, और अगर नहीं जानते तो प्लीज़ आपके जितना दोस्त है सबको शेयर कर देना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।